आज यहाँ पर ही बिरसा मुंडा की जयंती मनाए हैं। इस संबंध में आपकी क्या जानकारी है और क्या आपने जनता को ही संदेश दिया? हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1870 को हुआ था, जिसमें उन्होंने दलित आदिवासी और सामाजिक संगठन को बनाने के लिए जोर दिए। लड़ते 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 वो बलिदान हो गए अपने समाज के लिए और हम लोगों के जल जंगल जमीन के लिए, और हम लोगों के गुलामी जो थी, गले में मटके पहन के चलते थे, पीछे झाड़ू बांध के चलते थे, जंगलों में रहते थे, खाना नहीं जानते थे, जानवरों को मार के खाया करते थे, पत्तियां खाया करते थे। तो बिरसा मुंडा जी ने हम लोगों के, हमारे समाज को उन्होंने एकजुट और बांधने की लड़ाई लड़ी और हर उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ी जो हम लोगों को अधिकार छीने हुए थे। और ज़मीन पे हम लोगों को निवास नहीं हुआ करता था, जंगलों की झाड़ियों में हमारा समाज रहा करता था। तो हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिली और आज भी हमारा समाज जमीन, पानी, भूमिहीन है और रोजगार से वंचित है। तो हम समाज को संगठित करके, जागरूक करके, हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप भी अपने बल पर, अपने हिम्मत से बिरसा मुंडा जी की तरह अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो और सम्मान पूर्वक हम लोगों को जिंदगी जीनी है और देश के लिए जीना है। और आने वाले समय में हम लोग अपने समाज को मजबूत करने के लिए पार्टी से चुनाव लड़ के और अपने समाज की रक्षा करने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने का प्रयास करें। बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मना रहे हैं और कहां कहां से लोग आप लोग आए? हम लोग बिरसा मुंडा की जयंती आज कल 15 नवंबर था तो कल भी मनाए और आज भी मना रहे हैं। और हम लोग तहसील सिमदिया, सिरमौर, रीवा, हुजूर, कई तहसीलों से लोग आए थे और आज भी हैं। अब चूंकि कार्यक्रम समापन हो चुका है, कुछ लोग निकल गए हैं, तो आज बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के बाद आने वाले समय में 5 दिसंबर को हम लोग पुनः इकट्ठे होंगे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, और पूरे मध्य प्रदेश में 20 जिलों की यात्रा चालू होगी और वो यात्रा 5 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर बस। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू कोल है और जन सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हूँ अभी 1 महीना पहले, और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की कमान आज। अभी आप देख रहे थे कि रीवा में बिरसा मुंडा की जयंती छोटू कोल के माध्यम से ही मनाई गई और इनका अगला ही संदेश है कि अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम और ज़्यादा ही भीड़ इकट्ठा करके हूँ। अब लगभग 20 जिलों का ही समूह इकट्ठा करके और उनकी ही जयंती मनाएंगे।